हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। लगभग 7:25 टाइम होने वाला है, बिल्कुल अंधेरा होने वाला है। पीछे का बैकग्राउंड देखिए, है ना, इधर तो पेड़ पौधे हैं। लेकिन मेरे मन में आया कि आप लोगों से बात करूं। बेसिकली दो डाउट आप लोगों के सॉल्व करने हैं। पहला तो आप लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर, ट्रैकमैन के साथ हम लोग पढ़ाई कैसे करें, कैसे मैनेज करें, है ना, मतलब कैसे टाइम टेबल बनाएं, कैसे पढ़ें कि हम आगे बढ़ जाएं, अभी ना बढ़ें, एक साल में बढ़ें, 6 महीने में बढ़ें, या फिर मेरा दूसरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। और दूसरा डाउट आप लोग बेसिकली पूछ रहे हैं कि सर, मेरी जो शक्ल है, मेरा चेहरा है, उसका ग्लो कैसे बरकरार रखें। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि देखिए, अगर आप केयर करेंगे, है ना, जैसे केयर करेंगे ना, तो आपका चेहरा भी सही सलामत रहेगा। उसके लिए पूरा प्रोटेक्शन लीजिए, बढ़िया, सिर पे साफ़ा वगैरह बांधिए, तौलिया बांधिए, फेस को कवर करिए, चश्मा लगाइए, है ना, हाथ में भी ग्लव्स वगैरह पहनिए, पूरे जूते, पूरी ड्रेस प्रॉपर, फुल सेट आपको बेसिकली पहनने हैं। टी शर्ट नहीं पहननी, फुल सेट पहनेंगे ना तो आपकी गर्दन वर्दन भी काली नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको सनस्क्रीन भी लगानी है, और उसके बाद एक्स्ट्रा केयर जो आप कर सकते हैं, टाइम टू टाइम नहाना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, फेस वॉश भी यूज़ करना है, तो डेफिनेटली आपका ग्लो नहीं जाएगा। ठीक, इतना आप ध्यान रख सकते हो। एक लड़की ने कहा कि सर, मेरा तो इस जॉब में आके, जॉब करने के बाद मुझे लग रहा था कि चेहरे का ग्लो आ जाएगा, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, लेकिन इधर तो मैं उल्टा काला हो गया। ठीक, तो ये सब माइंड से निकाल लो। दूसरी चीज़, आपको पढ़ना कैसे है, तो पढ़ने के लिए आपको 2-3 चीज़ें काम करना है, मैथ्स, रीजनिंग और आपका करंट अफेयर्स, ठीक है, और स्टैटिक जीके। इसको आप रेगुलर बेसिस पर पढ़िए। मैथ्स का बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, रीजनिंग का बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, जैसे अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग हो गई, नंबर सीरीज हो गई, है ना, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये वगैरह वगैरह जितने टॉपिक हैं। इसके बाद सिलोलिज्म हो गए, इसके बाद मैथ्स में बेसिक मैथ्स पर ध्यान दीजिए, ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम आए तो आपकी स्पीड डाउन ना हो पाए, स्पीड प्रॉपर बनी रहे। इतना करने के लिए देखो, जैसे मेरा सजेशन है, मैं जैसे करंट अफेयर्स का एक ऐप है इनसॉर्ट्स, INSHORTS, उसमें 60 शब्दों में न्यूज़ आती है, इंग्लिश में, हिंदी में, जिस भी लैंग्वेज में आपको देखना है, तो आप उससे न्यूज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपका करंट अफेयर्स अपडेट रहेगा। इसके बाद ब्लैक बुक है निखिल गुप्ता सर की, तो ब्लैक बुक अगर आप ले लेंगे करंट अफेयर, मतलब जीके वाली, तो उसमें TCS पैटर्न का पूरा जीके दिया है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। मैथ्स वगैरह आप किसी भी बुक से लगा लीजिए, है ना, बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं। ठीक, मैं यहाँ पर किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा, बस आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। तो इतना सब आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप टाइम निकालिए, 1 घंटे निकालिए, 2 घंटे निकालिए, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे। अब कुछ लड़के कह रहे हैं कि सर, जब हम 8-8, 10-10 घंटे में ग्रुप डी की नौकरी ले पाए हैं, तो 2 घंटे पढ़ के कैसे सिलेक्शन होगा? भाई, अब आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है, अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, आपके पास जॉब है। ठीक है, और दूसरी चीज़, आप कम टाइम में भी आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, अपने अंदर खुद का आत्मसम्मान डेवलप हो गया है। तो घबराना नहीं है, 2 चीज़ों पर बेसिकली आपको काम करना है, और जितनी केयर करेंगे आप, पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, अपनी बॉडी की केयर करेंगे तो बॉडी भी अच्छी रहेगी, केयर करने के ऊपर है। ठीक, समय समय पे ज़्यादा हो तो 1-2 महीने में मसाज वसाज वगैरह करवाते रहिए, अगर आपको लगता है हर महीने सैलरी आती है 1 तारीख को जाके, तो भी चेहरा ग्लो करेगा। ठीक है, इसके बाद सनस्क्रीन लगाइए, बढ़िया से क्रीम लगाइए, फेस वॉश करिए, अच्छे से नहाइए धोइए, तो कुछ नहीं होगा, बस आपके ऊपर है, इन चीज़ों को निकाल दीजिए और बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। अब ये बार बार बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे, तो मुझे बताना इतना ज़रूरी था कि आप 2 तरीके से अपनी केयर कर सकते हैं। और देखो, ऐसा है कि अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन तो आपको किसी भी नौकरी में नहीं मिलना। जो 1800 ग्रेड पे हैं वो 2800 ग्रेड पे का सोचते हैं, 2800 वाला 4200 ग्रेड पे का सोचता है, कोई काम ज़्यादा है उसकी वजह से परेशान है। तो आप इन चीज़ों को निकालिए और सेल्फ ग्रो पर ध्यान दीजिए, आप अपने आप को जितना ग्रो करेंगे ना, क्योंकि जब मैं एक बार कॉलेज में, हम लोग का मिड सेम चल रहा था, ठीक है, तो हम लोग सब लोग हल्ला कर रहे थे, तो एक सर आए जो बिहार के थे, अमित सर, उन्होंने बोला, देर इज़ अ वेरी लिटिल कॉम्पिटिशन टू बिकम अ गुड ह्यूमन बींग, अच्छा आदमी बनने में बहुत कम कॉम्पिटिशन है, लाइफ में कुछ भी नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन अच्छा आदमी जरूर बन जाना। तो इन बातों को ध्यान रखना अगर आप मुझे सुनते हैं तो। अगर वीडियो बढ़िया लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।